नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको समुद्र में खोजे गए 5 दुर्लभ प्रजातियों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें हाल ही में खोजा गया था, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा कि धरती पर ऐसे भी जीव जंतु पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, साइफोनोफोर। ये दुनिया का सबसे लंबा जीव है, जो 40 मीटर तक लंबा हो सकता है, जिसके अंदर जहर भी पाया जाता है, जो मछलियों और छोटे जानवरों को पैरालाइज और उन्हें मारने का काम करता है। हालांकि इसका जहर इंसानों को मार नहीं सकता, पर यह काफी पेनफुल होता है। लेकिन वास्तव में यह एक अकेला जीव नहीं है, बल्कि ये काफी सारे छोटे छोटे जीवों से जुड़कर बना है, जो समुद्र काफी गहराई में रहता है। नंबर 2, इमोर्टल सर्पेंट। कई प्राचीन कथाओं में आपने जायंट समुद्री सर्पेंट के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या हो जब वो असल जिंदगी में आपके सामने आ जाए। हाल ही में इस वैज्ञानिक ने समुद्र के किनारे एक ऐसे जानवर को खोजा जो जायंट सर्पेंट से काफी मिलता जुलता था। हालांकि हकीकत में वो क्या था, इसके बारे में अभी भी खोज चल रही है। शायद आने वाले समय में लोगों को कुछ ऐसा जानने को मिले जिसके बारे में दुनिया बेखबर है। नंबर 3, मेटामेटा टर्टल। आपने कछुए तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन हाल ही में अमेजन के जंगलों में खोजा गया अजीब कछुआ। यह अजीब कछुआ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा, जो बाकी के कछुओं से काफी तेज है, जिसकी नाक काफी ज्यादा बाहर निकली हुई है। हालांकि अभी तक इसके डीएनए पर रिसर्च किया जा रहा है, ताकि इसके बारे में और जानकारी मिल सके। नंबर 4, टू हेडेड व्हेल। एक दिन मेक्सिको के समुद्र के किनारे लोगों को टहलते समय पानी के नजदीक 2 सिर वाला जीव मिला। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन सबके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी 2 सिर वाली शार्क नहीं देखी थी। वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि ये कोई शार्क मछली नहीं है, बल्कि कोई ऐसी प्रजाति है जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता। नंबर 5, हेडलेस चिकन मॉन्स्टर। यह समुद्री जानवर दिखने में किसी दूसरी दुनिया का जीव लगता है, जो कि असल में पानी में रहने वाली सीव क्यूकम्बर की एक प्रजाति है, जिसे देख पाना काफी दुर्लभ है, जो कि ये गहराई में मौजूद अंधेरे में ही रहती है, जिसे हाल ही में खोजा गया। हालांकि इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्टमिस्ट को। धन्यवाद।